स्टूडेंट माय नेम इज़ देशराज, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है बैकअप अ कंपनी एंड रीस्टोर द कंपनी। बैकअप कैसे करते हैं एंड रीस्टोर कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास कितनी कंपनी अवेलेबल है। सेलेक्ट कंपनी करेंगे, F1 या तो इंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे दो कंपनी हमारे पास हैं, हम बैकअप एंड रीस्टोर सीखना है। ठीक है, हम चाहते हैं यहाँ से दोनों को बैकअप बनाएं, ठीक है, और दोनों कंपनी को डिलीट कर दें। कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कंपनी को सेलेक्ट करना है, दोनों कंपनी को ओपन करना है, या तो ओपन मत करिए, आप डायरेक्ट आइए यहाँ पर बैकअप में, बैकअप पर इंटर प्रेस करिएगा। इंटरप्रेस करने के बाद यहाँ पे सोर्सेस पूछता है आपके जो कंपनी की फाइल है वो कहाँ पे सेव है। मैंने बताया था आपको सी ड्राइव, यूज़र, पब्लिक, टैली, RP9 एंड डेटा फाइल के अंदर है। अब उसका बैकअप बनाना चाहते हो, बैकअप कहाँ बनाना चाहते हो ये आपको डिसाइड करना है। आप सी ड्राइव में बनाना चाहते हो, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, जितनी भी आपकी ड्राइव्स हैं, या तो आप पेन ड्राइव लगाए, पेन ड्राइव के अंदर कन्वर्ट करना है या बैकअप लेना है, आप कहीं भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए डिजिग्नेशन से मैं आ रहा है सी ड्राइव, ठीक है, सेमी कोलन, फिर ऑब्लिक, फिर आपका टैली बैकअप। हमने बनाया हुआ एक फोल्डर्स आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे वो फोल्डर्स हैं। आपका हमारा फोल्डर जो है वो सी ड्राइव के अंदर है। कंप्यूटर को ओपन करिएगा, सी ड्राइव को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए टैली बैकअप के नाम से फाइल है, तो इसके अंदर हमें बैकअप लेना है। ऑलरेडी इसको बैकअप को हटा देते हैं। अब इसी के अंदर हमें फाइल लेना है, हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें चेक कर सके डायरेक्ट, टाइम में लगे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टैली बैकअप के नाम से हमने एक फाइल बनाई हुई है, फोल्डर बनाई हुई है, उसी के अंदर हमें रखना है। एंटर प्रेस करिएगा, यहाँ पे दो कंपनी हमारी शो करी जो कि हमें दोनों कंपनी का बैकअप लेना है। अब बैकअप लेने से, ठीक है, अब देखिए बैकअप लेते क्यों है, बैकअप इसलिए लिया जाता है कि हमारी जो भी डेटा हो वो सेफ़ रहे। अगर इन द केस कभी भी सिस्टम ख़राब होता है या तो कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो हमारा जो डेटा होगा वो सेफ़ रहेगा। एक बैकअप के थ्रू हम किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल करके वापस वर्क कर सकते हैं, कंटिन्यूस जो जितना वर्क करेंगे वो हमारा सेफ़ रहेगा, ठीक है, एक सिक्योरिटी के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे दोनों कंपनी को एक एक करके सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंपनी हट जाएगी पूरी, अगर और होगा तो लिस्ट शो करेगा, लेकिन हमें फ़िलहाल दो ही करना था, तो एंड ऑफ लिस्ट को सेलेक्ट कर देंगे लास्ट में, और यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे, हमारा बैकअप हो गया। अब हम चेक करते हैं, हमने बैकअप ऑलरेडी, मैंने फोल्डर को ओपन किया, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मेरा बैकअप आ गया, 101 KB का दोनों फाइल्स हैं। अब यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 21 मई 2021, आज का डेट है 21 मई 2021, जो कि आपने आपका यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब वापस हम टैली में आते हैं, हमें रीस्टोर करना है। पहले हम इस कंपनी को डिलीट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कंपनी है ना, तो उस कंपनी को हमें डिलीट करना है। एक एक करके ओपन करिए दोनों को, ठीक है, हम इसको भी ओपन कर लिए, आप कंपनी को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए हमें अल्टर में जाना होगा, फिर यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे डिटेल्स आ गए, लेकिन यहाँ पर अल्ट के साथ डी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे, आर यू श्योर, यस। फिर इसी तरह से दूसरी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, फिर से अल्टर डी दबाएंगे, फिर यहाँ से इंटर एंड यस, आर यू श्योर, ये कंपनी आपकी डिलीट होगी। आप चेक करना चाहो F1 बटन प्रेस करो, यहाँ पे देखो एक भी, ठीक है, शो नहीं करेगा। यहाँ पर लिखा ना नो कंपनीज़ ऑन डेक्स, मतलब कि कोई भी कंपनीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब हम चाहते हैं इस कंपनी में, इस मतलब कि टैली में कंपनी को लेकर आएँ, बैकअप की जगह रीस्टोर में करें, तो उसके लिए रीस्टोर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। रीस्टोर पर जाने के बाद अब हमें करना है क्या, यहाँ पे देखेंगे डिजिग्नेशन और सोर्सेस हमारा चेंज हो गया। ऊपर पहले सोर्सेस था, अब डिजिग्नेशन नीचे था, तो यहाँ पे चेंज हो गया, इसलिए क्योंकि हमारा जो था, अब हमारा जो सोर्सेस है वो टैली बैकअप में है और जो हमारा डिजिग्नेशन है वो ऊपर है, हमें उस वाले में लेकर आना है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर बैकअप हमारा है, ठीक है। यहाँ पे लेने के बाद हम इसको एंटर प्रेस करेंगे, हमें दोनों को लेना है तो दोनों को कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद बस इसको एक्सेप्ट करा देंगे, हमारा कंपनी में आ गया, टैली में आ गया। आप F1 बटन प्रेस करो, यहाँ पे दोनों कंपनी शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ओपन करके चेक कर लेता हूँ, ये देखिए कंपनी ओपन हो गई। इसी तरह से दूसरी भी कंपनी ओपन करना चाहें, यहाँ से दूसरी कंपनी ओपन करके चेक कर लो, दूसरी कंपनी भी ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।